नमस्कार, आप देख रहे हैं केमास न्यूज। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेंद्र कुमार मौर। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए डाउनलोड करें केमास न्यूज ऐप या टाइप करें www.kmasnews.com। ये दिखाते हैं आपको दिन भर की बड़ी खबर। आपके साथ किस तरह से घटना हुई? हम टोल से पैसा लेकर हम बैंक जा रहे थे। बैंक से कम से कम 5-6 सौ दूरी पे पहुंचे थे। वहाँ एक लड़का दिखाई दिया शिवम नाम का। फिर उसके बाद 200 मीटर और आगे गए तो वही घटना ये घटी। हमारे साथ ही कोई बम मारा हमारी गाड़ी के सामने, शीशा पे लगा, शीशा पर से हमारे ऊपर आया। उसके बाद वहाँ से जब हम उतरे देखे दो लड़के खेतारी में भाग रहे थे। भागने के बाद फिर हमने वहीं से गाड़ी वापस किया। वापस करते हुए तो फिर शिवम वहाँ पे दिखाई दिया था। वापस करने के बाद सीधा हम टोल पे आए। टोल पे अपने मैनेजर साहब से बताया ऐसी ऐसी घटना हमारे साथ घटी, वो वहाँ से हॉस्पिटल लेकर। तो ये घटना कहाँ पास हुई? ये जो टंकी था, टंकी नहीं है, टंकी से 100 मीटर पहले। तो ये शिवम से आपसे कोई दुश्मनी थी? शिवम लोकल के है, रहे है, वाद विवाद होता रहता है, लेकिन हमसे कोई उठा नहीं थी, लेकिन हो सकता है कोई बात हो। आप टोल कर्मचारी हैं? टोल के अकाउंटेंट हैं सर। ये कितनी समय घटना है लगभग? ये सवा 11 बजे के लगभग। तो आपने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी? स्थानीय पुलिस को सूचना दी आपने? हाँ, तुरंत हम सब पर फोन लगवाया, वहाँ से पुलिस सब आए। वहाँ से क्या नाम है आपका? अमित मिश्रा। कहाँ से? जौनपुर से। इसमें आज 11 बजे मॉर्निंग की घटना है, जिसमें ये टोल प्लाजा के कर्मचारी थे, अमित मिश्रा नाम है, कैशियर बताए जा रहे हैं। ये जसरा जा रहे थे पैसा से जमा करने, तो इनके द्वारा बताया गया कि 3 लड़के खड़े थे रोड के किनारे। जब इनकी गाड़ी गई तो बम फेंक दिए, जिससे गाड़ी का शीशा टूट गया। उसके बाद से जैसे ही गाड़ी रुकी वो लोग भाग गए। उन्होंने तहरीर किया है, तहरीर में एक लोगों का नामजद किया है, बताया है कि वो पहले टोल पे काम करते थे, अब उनको हटा दिया गया है। बता रहे थे कि वो थे और 2 लड़के और थे जो घटना खड़े करते। तो क्या जो नामजद किया उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है? हाँ, गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। जो भी एविडेंस मिलेंगे उस हिसाब से।